हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग ऑलवेज खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिनको अपनाकर आप ऑलवेज खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, और वीडियो को देखकर उन पॉइंट्स को जानिएगा कि क्या क्या अपनाकर हम लोग अपनी लाइफ में खुश रहें। खुश रहना हम लोगों के अपने हाथ में है, और दूसरों से उम्मीद हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खुश रहना हमारे खुद के हाथ में है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग खुश रह सकते हैं हमेशा हमेशा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सब लोग हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। तो हर हाल में कैसे खुश रहा जा सकता है, इस वीडियो में देखते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग का पहला पॉइंट ये है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों हमेशा खुद पर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। सकारात्मक सोच और आशावादी नज़रिया संतोषजनक रिश्ते जीवन में हमेशा खुशियाँ लाते हैं, इसीलिए इन्हें ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह देनी चाहिए जिन्हें आप अपने मन की बात खुलकर कह सकें, और जो आपको समझते हों और आपकी कमियां और खूबियों के साथ आपको स्वीकार करते हों। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको बहुत सुकून देगा। और नंबर तीन पर आता है कि आपको यह भी समझना होगा कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं, और लक्ष्य विहीन व्यक्ति दुखी रहते हैं। इसीलिए जीवन का मकसद तय करें। जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही लगा रहता है, इससे दिनचर्या व्यस्त रहती है और व्यक्ति को नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप लोग अपने को काम में बिजी रखिए, एक लक्ष्य बनाइए कि हाँ हमें ये लक्ष्य पूरा करना है। और नंबर फोन पर आता है कि आपको हमेशा अपने पास कुछ भी है उसी में ही समाधान करने आना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी नाकामयाबियों को हरा देते हैं। इससे एक तरह से जैसे आप अपने जो आपके पास है उसी में आप अगर खुश रहते हैं तो आप अपनी नाकामयाबियों को हरा देते हैं, और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ जाता है। और नंबर पाँच है कि खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली बातें, जो अच्छी बातें हैं आपके साथ, जो भी पॉजिटिव बातें हुई हैं उनको आप एक डायरी में नोट कर लें, और जब भी आपका मन उदास हो तो उसको डायरी के पन्ने पलट के ज़रूर देखें आप। तो जब आप पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको विश्वास होगा कि ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं, सिर्फ बुरे ही दिन नहीं आते। लेकिन हम लोग याद बस बुरे दिनों को रखते हैं, जबकि भगवान हम लोगों को अच्छे और बुरे दोनों दिन दिखाते हैं। लेकिन चूँकि दुख देर में, हम लोगों को ऐसा लगता है कि दुख के दिन देर में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सुख दुख ज़िंदगी का हिस्सा है। और फिर आगे आता है कि फुर्सत में रहने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग जो रहते हैं वो कम दुखी रहते हैं और कम उदास रहते हैं। इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आप काम में व्यस्त रखिए, तो आपको फालतू की बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आगे है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि दिन भर अच्छी बातें क्यों ना हो जाएं, कितनी भी अच्छी बातें उनके साथ क्यों ना हो जाएं, वो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। और जो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं दिन भर में, वो उन्हीं को गले लगाए रहते हैं। दिन भर जो भी दुख भरी बात होगी तो वो दिन भर उसको ही गले लगा के बैठे रहेंगे, और दिन भर कितनी भी अच्छी बातें हों वो उन्हें याद नहीं रहती। अगर आपका भी ऐसा स्वभाव है तो प्लीज़ आप अपने स्वभाव को बदलिए और छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। और आगे है, दिन भर मिली दुआ तारीफ और आभार को गिन के देखिए तो आप खुद समझ जाओगे कि आप परेशानियों से ज़्यादा दुआ आपके पास है और आप कितने खुशकिस्मत हैं। तो तुलना करके देखिए आप कि क्या चीज़ आपके पास दुख ज़्यादा आया था दिन भर में या खुशियाँ ज़्यादा आई थी। क्योंकि एक इंसानी जो मन होता है उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो अच्छी बातों को छोड़ के बुरी बातों को ज़्यादा याद रखता है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी बातें दिन भर में आपके साथ जो अच्छी बातें हुई हैं आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और
एक बात है कि आपको आप हमेशा याद रखिए कि आप अपनी तुलना दूसरों से ना करिए। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं, आपकी जो आशाएं हैं वो बढ़ जाती हैं और पूरी ना होने पर आपका मन उदास रहता है, आप दुखी रहने लगते हैं। इसीलिए आप जैसे हैं आप उसी रूप में खुद को स्वीकार करें कि आप अपने आप में बेस्ट हैं और खुल के ज़िंदगी जिएं। जब आप अपने अपने लिए जिएंगे, अपने को बेस्ट समझेंगे कि तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा। और सिर्फ अपने को देखें, आप में क्या कमियां हैं उन्हें दूर करने का सोचें और दूसरों में जो कमियां हैं वो खोज के आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। तो आपको अपने को बेस्ट बनाना है, आपको दूसरों में बेस्ट नहीं बनाना है, आपको अपने को बेस्ट बनाना है। जब आप खुद अपने को बेस्ट समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। और सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है, आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। और आप बिल्कुल भी, और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि लोग आपकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने को अच्छा समझते हो तो दूसरे भी आपको अच्छा समझें, बिल्कुल भी। और ना ही दूसरों की बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत है कि वो आपको क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको बस अपना अच्छा काम करना है, जो काम जो भी काम भगवान की नज़र में अच्छे हैं वो सब काम आपको करने हैं अच्छे, तो बस आप खुद ब खुद अच्छे बन जाएंगे। भगवान की नज़र में जो काम अच्छा है वो आप अच्छा करिए। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दीजिए, तो देखिए आप बिल्कुल खुश रहने लगेंगे लाइफ में। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा कि हम लोगों को कैसे खुश रहना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।